हमीरपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत ब्रारेड़ी में एक दिवसीय किसान मेला स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मेले का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी के प्रबंध अभिकरण हमीरपुर द्वारा किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के सभी खंडों से 400 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गयी। हमीरपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत ब्रारेड़ी में एक दिवसीय किसान मेला स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस मेले का आयोजन कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण हमीरपुर द्वारा किया गया, जिसमें जिला हमीरपुर के सभी खंडों से 400 किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्राकृतिक खेती के उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस मौके पर नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा है, जो प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना को कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों के साथ इस खेती की विधि को किसानों तक ले जाया जा रहा है। किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर प्रदेश के अंदर व बाहर भ्रमण व गोष्ठियों के माध्यम से जिला हमीरपुर में प्राकृतिक खेती के मॉडल स्थापित किए जा रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले कृषकों को देसी गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए का अधिकतम गौशाला फर्श व गौमूत्र इकट्ठा करने के गड्ढे के लिए 8,000 रुपए तथा ड्रम लेने के लिए 2,250 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुदान किया जा रहा है। इस कैंप में मुझे आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आत्मा प्रज्ञा के सभी ऑफिसर्स का व आप तमाम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछले कई दिनों से एक डॉक्टर कुलदीप जी मुझे पूछ रहे थे कि हमने एक जीरो बजट खेती के ऊपर कैंप लगा लिया। मेरे लिए मुशियारे से जो मिट्टी बैठ आएगी बहुत अच्छी बैठ है, यहाँ सैंड लेने की जगह देखिए वहाँ कैंप लगाते हैं। फिर हमने बराड़ी आपकी पंचायत का सजेस्ट किया और यहाँ पर इस कैंप का आयोजन किया। इतनी बारिश के बावजूद, मौसम खराब होने के बावजूद भी आप इतनी संख्या में आए तो हमें एक आशा बनी है कि आप लोग भी जीरो बजट खेती करने के लिए बड़े उत्सुक रखते हैं और आने वाले समय में जीरो बजट खेती आप सही ढंग से अपनाएंगे और इसमें हमें कामयाबी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम जानते हैं कि आज जो भी हम, चाहे वो अनाज है चाहे वो सब्जियां है, जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसमें ज़्यादातर हम प्रोटीन की बजाय क्या ज्यादा खा रहे हैं। और इससे बढ़कर अब हालात ऐसे आ रहे हैं कि हमारे किसानों ने किसान खेती करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया, चाहे वो भगवान परमात्मा की नेचुरल क्लाइमेट की मार हो, चाहे वो बंदरों की मार हो, चाहे वो आवारा पशुओं की मार हो, ये सब चीजें हमें किसान को खेती करने के लिए, खेती से हटने के लिए मजबूर करते हो। और जो हम खाते हैं, जो हम दीपों का अनाज खाते हैं, हमारी सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है कि दीपों पर असर बढ़ जाए, लेकिन फिर भी जिस क्वालिटी का राशन मिलना चाहिए तो मिलता नहीं। अब आप मुझे बताइए, हम जीने के लिए जो खा रहे हैं उससे हमें पूरी एनर्जी नहीं मिल रही है, उससे हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिल रहा है और उल्टे बीमारियां लग रही हैं। और हम तो हैरान है कि जो अनाज हम खाते हैं इतनी बीमारी इंसानों को लग रही है ना, कोई अंदाजा नहीं। और सबसे ज्यादा जो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और जिसका कि अब तक हमारे पास इलाज कोई नहीं, कोई नहीं। और हमारे पास इस वक्त चारा भी कोई नहीं है, क्योंकि जो हमें खाने को मिल रहा है, जो हम खुद पैदा कर रहे हैं, हम खुद भी कोई पैदा कर रहे हैं जिससे बीमारियां लग रही हैं, और हम बाजार से खरीद कर लाते हैं उसकी तो हालत उससे भी बुरी है। परियोजना निदेशक
डॉक्टर कुलदीप वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों की खेती लागत घटाने, जहर मुक्त फसल उगाने तथा आय को दोगुना करने हेतु ही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नामक योजना शुरू की है। इसमें जिला हमीरपुर में 977 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसके परिणाम किसानों के खेतों में बहुत अच्छे मिल रहे हैं। लोगों के रुझानों से पता चलता है कि सभी किसान जहर मुक्त खेती करना चाहते हैं। आत्मा हमीरपुर द्वारा लगभग 4000 किसानों को 31 मार्च 2020 तक जहर मुक्त खेती का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। खेती के बारे में क्या सोचता है? तो पहले तो जीरो वेस्ट नेचुरल फार्मिंग, अब इसको हम सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो सुभाष पालेकर खेती क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न हमेशा हर कृषक जो है उसके मन में आता है। तो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती ऐसी खेती जिसमें न्यूनतम आपकी लागत हो, लागत लगे, खर्चा कम से कम आए, अधिक उपज हो और गुणवत्ता जो है वो बहुत अच्छी हो, स्वस्थ पर्यावरण हो और कीट एवं बीमारियों से हम दूर रहें, कर्जा मुक्त हो और हमारे जो किसान और बागवान भाई हैं उनमें समृद्धि आए, इसी खेती का नाम जो है वो सुभाष पालेकर की खेती है। क्योंकि मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा मगर आपको मुख्य बातें जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। अब जो आपका ये जो सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती है इसमें चार चक्र हैं, चार साइकिल हैं। तो कौन से चार साइकिल हैं जिनके बगैर ये खेती नहीं हो सकती? मैं तकरीबन एक साल से जीरो बजट खेती के साथ जुड़ा हूँ और खेती करने से पहले तो इसके बारे में कई शंकाएं थी, लेकिन जब करने लगा तो इसके जो मुझे अभूतपूर्व जो परिणाम मिले, जो कि मैं गेहूँ की फसल के टाइम में गेहूँ चुका हूँ और उससे मुझे अच्छा मुनाफा हुआ, अच्छी फसल हुई और आगे भी मैं अपनी जो मक्की की खेती है अभी अपनी पहले मैंने 5 कनाल में की थी, अभी मैं 10 कनाल में मक्की की खेती मैंने बीजी है और उसके भी अच्छे परिणाम हैं। और इसके लिए जो गवर्नमेंट ने हमें सुविधा दी है पहले सब, उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि गाय के बारे में बताया था तो पहले मैंने अपनी गौशाला से देसी गाय ली, उसके बाद अभी तकरीबन एक महीना पहले मैं डब वाली मंडी से साहिवाल जाति प्रजाति की देसी गाय लाया हूँ, जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट ने 50% जो सब्सिडी देने का वादा किया था उसके मैंने पूरे कागजात पूरे करके जमा करा दिए हैं। हो सकता है वो 15 दिन में मिल जाए और वो मिल जाए तो उससे और भी अच्छा और दूसरे किसानों के लिए एक उदाहरण बन जाएगा और सभी को उत्कृष्ट होगा। और आज हम यहाँ पर आए हैं SPNF के द्वारा जो हम प्रोड्यूस निकाले हुए हैं, हमारे जो नेचुरल प्राकृतिक खेती के जो प्रोड्यूस हैं उनको हम यहाँ प्रदर्शित करने के लिए आए हैं और अभी हम आपको वो भी बताएंगे। मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि जो जिस चीज़ मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ वो केवल प्राकृतिक खेती द्वारा प्रोड्यूस की गई है, पैदा की गई है और ये जहर मुक्त है। आज तक जो भी हम चीज़ें खाते थे जहर युक्त होती थी, रासायनिक खादें यूज़ करते थे, लेकिन ये चीज़ें सारी हम जीवामृत, गंजीवामृत और विषामृत जैसे जो तत्व हैं, प्लांट हैं, उनके द्वारा सिंचित की गई है और बहुत ही उपयोगी है। इस मौके पर ब्रह्मादास जसवाल, उप परियोजना आत्मा, शशि बाला विषयवाद विशेषज्ञ तथा सभी खंडों के BTM ATM उपस्थित रहे। कृषक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हरीश शर्मा भी विशेष रूप से इस अवसर पर उपस्थित रहे।